Good morning students, today we'll discuss about the next topic, that means ways of increasing frictions, disadvantage of frictions and ways of reducing friction. Firstly, we will discuss about the ways of increasing friction. Increasing frictions means how to increase the friction and how it is helpful for us. Firstly, bachche, there can be times when more friction is better. Means kya hai ki sometime ऐसा भी होता है कि फ्रिक्शन जो होता है ज़्यादा फ्रिक्शन हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बेटा एक फ्लोर पे चल रहे हो, स्लिपरी फ्लोर है, ठीक है। तो जैसे समटाइम घर में बेचम आपके मम्मी ने पोछा लगाया होता है, वो कहते हैं कि इस फ्लोर पे मत चलो, ठीक है, बिकॉज आप गिर जाओगे। बट समटाइम अगर आपने अच्छे शूज पहने हो जिसका ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो सरफेस के साथ, तो क्या होगा, आप स्लिपरी फ्लोर पे भी चलोगे तो आप नहीं गिरोगे, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या है कि आपने उस शूज़ की हेल्प से क्या किया, फ्रिक्शन बढ़ा लिया, किसके साथ, सरफेस के साथ, ठीक है। व्हेन वी वॉकिंग ऑन अ स्लिपरी फ्लोर, और देयर आर टू मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फर्स्टली क्या है, बाय इंक्रीज द रफनेस ऑफ सरफेस और बाय इंक्रीज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटर टू वेज है सरफेस फ्रिक्शन इंक्रीज करने का। या तो ऐसा करो कि जिस सरफेस पे आप चल रहे हो उसके रफनेस को और बढ़ा दो, ठीक है। या करो कि जो चीज, या तो बच्चे क्या है कि मास बढ़ा दो, मतलब वेट बढ़ा दो, ठीक है बच्चे। पहला देखो, जैसे क्या है कि टायर और उसके डिज़ाइन जो है, उसके पैटर्न जो आपने देखा है ना, जो आपकी बाइक की टायर है, मोटरसाइकिल बाइक की टायर है, साइकिल की टायर है या कार की टायर है, ठीक है बच्चे, उनमें एक पैटर्न सा बना होता है, ठीक है। जैसे कि ये टायर है, इनमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, आपने देखा है ना। ये पैटर्न्स बच्चे डिज़ाइन के लिए, आपको दिखाने के लिए नहीं होता है, ये होता है ताकि रोड के साथ टायर की फ्रिक्शन ज़्यादा ज़्यादा हो, और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत पानी भी गिरा हो रोड पे तो आप नहीं गिरो, ठीक है बच्चे। द ट्रेंड्स ऑफ टायर इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड रिड्यूस द चांस ऑफ कार स्काइडिंग ऑफ ऑफ द रोड। मींस कि अगर थोड़ा बहुत पानी और आपने ब्रेक मारा तो ये ना ब्रेक यहाँ मारो और गाड़ी कहीं और जाके रुके, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइक्स। अब ये देखो बच्चे, ये जूते हैं, ठीक है, एक ये वाला है, एक ये नेल वाला है। अब आपने देखा है जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो नेल वाले जूते पहन के क्रिकेट खेलते हैं, या जो दौड़ने वाले होते हैं वो भी नेल वाले जूते पहन के दौड़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि नेल से क्या होता है कि सरफेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनता है और फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है अगर वो दौड़ते हैं तो वो गिरने और स्लिप होने का डर कम से कम रहता है, ठीक है बच्चे। अभी देखो, सैंड एंड ग्रेनुअल्स आर स्टू ऑन द स्लिपरी फ्लोर, ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू इंक्रीज द फ्रिक्शंस। अगर मतलब कहीं पे बेटा पानी है वहाँ पे आप सैंड डाल दो, सैंड क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा, ठीक है बच्चे। वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा मतलब क्या है कि वहाँ फ्रिक्शन वो बढ़ा देगा, ठीक है। बेटा वाटर ही नहीं है तो फ्रिक्शन कम से कम होगा, ठीक है। सोल्स ऑफ योर शूज, ये मैंने पहले बता दिया कि कैसे फ्रिक्शन बढ़ाता है। नेक्स्ट है, अगर एडवांटेज है तो बच्चे इसका डिसएडवांटेज भी होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, वाइल फ्रिक्शन हैज़ मैनी एडवांटेज इज है, अगर बेटा फ्रिक्शन के एडवांटेज है तो इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में आप देख लो, जैसे कि आपकी मशीनरी है, आपकी घर की मशीनरी है, चाहे आपकी बाइक की मशीनरी है या किसी फैक्ट्री में जो मशीनरी लगा हुआ, अब आपने ध्यान से देखा होगा कि आप जब कुछ देर चलाते हो तो आपको अपने क्या करना पड़ता है, साइकिल के टायर चेंज करवाना पड़ता है, पैडल चेंज करवाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बच्चे, फ्रिक्शन के साथ जब उसे चलाते रहते हो वो क्या होता है, वीक होता जाता है, क्योंकि वो आपस में क्या करते जाते हैं, अब वो आपस में, ये देखो अब मान लो कि साइकिल में वायरिंग लगी हुई आगे में, बॉल वायरिंग है, सुना है ना आपने बॉल वायरिंग के बारे में, आपको मैं पिक भी दिखाऊंगा इसके रिगार्डिंग, ये देखो इसे बोलते हैं बॉल वायरिंग, ठीक है बच्चे। क्या होता है, जब ये मूव करता रहता है टाइम के साथ ये बॉल जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, छोटे होते जाने का मतलब क्या है कि ये टाइम के साथ ये ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन बेटा जैसे कि हमारे मशीनरी के लिए फैक्ट डालता है, उसके साथ क्या होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे एनर्जी को वेस्ट करता है। दिस इज बिकॉज एनी टाइम डैट मूव, मतलब क्या है कि आप खुद देखो ना, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है मतलब अगर उसी काम को करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्या होगा। अब मान लो कि आपने कभी नोट किया होगा, अगर किसी जगह पे
आपने कभी नोट किया होगा कि कोई कोई मशीनरी ना बेटा चलते चलते काफ़ी हीट होने लग पड़ता है। आयरन को बेटा छोड़ देना, वो उसका मैकेनिज्म अलग है, ठीक है, वो क्यों हीट होता है, फ्रिक्शन करके नहीं होता है। तो कई मशीनरी चलते चलते हीट होने लग पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, वो बेटा क्यों होता है, बिकॉज अब आपको पता ना कोई भी मशीनरी है उसको चलने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट या ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से क्या होता है कि उनमें फ्रिक्शन कम से कम होता है और मशीनरी अच्छे से चलता है, और वो मशीनरी हीट भी नहीं होता है। और वो हीट इसलिए होता है बच्चे बिकॉज फ्रिक्शन उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता तो उसको चलने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर फोर्स ज़्यादा चाहिए होता तो क्या होता है, टाइम के साथ इन टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लग पड़ता है, और अगर ऐसा चलता रहे तो मशीनरी भी ख़राब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वेज टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि कौन से वेज है जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। सबसे बेस्ट वे क्या है कि बेटा जिस सरफेस पे आप चल रहे हो उसको स्मूथ कर दो। स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, उसे पॉलिश कर दो, ठीक है बच्चे। अब मतलब क्या है कि फ्रिक्शन कॉज द रफनेस ऑफ सरफेस, एनी प्रोसेस मतलब कोई ऐसा प्रोसेस यूज़ करो जिससे क्या करें हम उस सरफेस को ही पॉलिश कर दें, उसकी जो रफनेस है उसको कम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम लुब्रिकेंट और ग्रीस यूज़ करें, ठीक है, लुब्रिकेंट और ग्रीस यूज़ करो और उसको किस में डाल दें, मशीनरी में डाल दें। मशीनरी में डालने से क्या होगा बच्चे, क्योंकि देखो मशीनरी में देखो आपने देखा है ना सिस्टम्स होते हैं जो आपस में घूमते रहते हैं, या हम क्या करें बच्चे, ये जो वायरिंग आपको मैंने पीछे दिखाया है इस वायरिंग के अंदर मैं ग्रीसिंग कर दूँ, ग्रीसिंग कर दूँ तो क्या होगा बेटा, कम से कम कॉन्टैक्ट होगा एक दूसरे के साथ उनकी, अगर वो मूव भी करेंगे तो वो हीट नहीं होंगे, हीट नहीं होंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, देन द इंटरलॉकिंग इलेगरिटीज आर अवॉइडेड एंड द मूवमेंट बिकम्स, मतलब क्या है कि जैसे ऐसे उसमें फ्रिक्शन कम होगा वो आपस में कम कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कम कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो ईजिली वर्क करेंगे। व्हील्स और वॉल बैरिंग, और मतलब ये क्या करेंगे, व्हील्स और वॉल बैरिंग यूज़ करो तो क्या होगा, उससे फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। ये देखो ये आपके साइकिल का पार्ट दिखाया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, अभी देखो आपने ये चीज़ नोट किया होगा ना, बुलेट ट्रेन आपने देखा होगा चाइना वाला या अभी जापान वाला, तो आपने नोट किया होगा उसके आगे से ना बच्चे नोब सा बना होता है, बुलेट ट्रेन ऐसे बना होता है और आगे से नोब सा। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो एयर आए ना बच्चे, एयर यहाँ से टकरा के निकल जाए, एयर यहाँ से टकरा के निकल जाए, और वहाँ के आप मैक्सिमम जितने भी 99% ट्रेन थे उनमें किसी में भी विंडो ओपन नहीं होता, जैसे हमारे इधर होता है ना एसी नॉन एसी दोनों तरह ट्रेन होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ ऑलवेज एसी ट्रेन होते हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर आपने ट्रेन की विंडो खोल के रखी ना, वो क्या करता है, हमारी स्पीड को रिड्यूस करता रहता है, हमारी स्पीड को कम करता जाता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है जब ट्रेन चल रहा होता है ट्रेन के साथ विंडो से क्या होता है एयर अंदर जाता जाता है, एयर अंदर जाता जाता है, तो वो क्या करता है उसके ट्रेन की स्पीड को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि बोट्स की शेप कैसा बनाया जाए, ट्रेन्स की शेप कैसा बनाया जाए, प्लेन की शेप कैसा बनाया जाए जिससे क्या हुआ कि एयर टकरा के वो इजीली साइड से निकल जाए। अब जो न्यू ट्रेन्स बन रहे हैं इंडिया में भी वो भी इसी मैकेनिज्म या इसी सिस्टम पे बन रहा है, ठीक है बच्चे। आज हमने बेटा इतना ही करना है, इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चे हमने करना है फ्लूइड फ्रिक्शंस एंड स्टीम लाइनिंग, एंड ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमने न्यू चैप्टर शुरू करना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।